नाइन्थ NCERT हिस्ट्री फ्रांसीसी क्रांति 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज प्रथम स्टेट पादरी वर्ग द्वितीय स्टेट्स कुलीन वर्ग तृतीय स्टेट बड़े व्यवसायी अदालती कर्मचारी वकील किसान और कारीगर छोटे किसान भूमिहीन मजदूर तथा नौकर 90% किसान थे पर अधिकतर के पास अपनी जमीन नहीं थी। 60% जमीनों पर कुलीन वर्ग चर्च तथा तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम और द्वितीय दो एस्टेट पादरी तथा कुलीन वर्ग को कर से छूट तथा कुछ संपत्ति अधिकार जन्मना प्राप्त थे। जन्म से किसानों पर करों का दोहरा बोझ था। टाइड धार्मिक कर पादरी द्वारा और टाइल प्रत्यक्ष कर सरकार द्वारा कुछ अप्रत्यक्ष कर भी थे जैसे नमक और तंबाकू पर कर। राजा सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। 20 साल की उम्र में विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से राजरोहण के समय राजकोष खाली था। ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद करने और अन्य कारणों से राज्य पर कर का बोझ था जिससे आम खर्चों जैसे सेना के रखरखाव राजदरबार सरकारी कार्यालय विद्यालय इत्यादि चलाने के लिए राजा कर बढ़ाने को मजबूर था। नोट 1789 से पहले प्राचीन राजतंत्र रिब्रे फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। टाइड कृषि उपज का 1/10 भाग चर्च द्वारा धार्मिक कर जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ और 1789 में 2.5 करोड़। फलस्वरूप अनाज उत्पादन की तुलना में मांग ज़्यादा, मजदूरी महंगाई की तुलना में काफ़ी कम, सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार संकट हुआ। मध्य वर्ग इनमें तीसरे एस्टेट के व्यापारी ऊनी और रेशमी वस्त्रों का समुद्री व्यापार सौदागर वकील प्रशासनिक अधिकारी इत्यादि थे। ये प्रथम और द्वितीय स्टेज के जन्मे अधिकारों के विरुद्ध थे। ये मनवे थे सामाजिक हैसियत का आधार योग्यता होनी चाहिए। स्वतंत्रता समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जान लॉक तथा जियां जाक रूसो ने की थी। टू ट्रीटाइटेज ऑफ गवर्नमेंट में रूसो ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारियों
के सिद्धांत का खंडन किया था। द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इसमें मंतेस्क्यू ने सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही है। अमेरिका के 13 उपनिवेशी की ब्रिटेन से आज़ादी, जिसमें फ्रांस ने मदद की थी, के बाद आज़ादी के बाद इसी आधार पर सरकार का गठन हुआ था, जो फ्रांस के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत था। क्रांति की शुरुआत 5 मई 1789 को लुई 16 ने स्टेट असेंबली की बैठक बुलाई, जिसमें प्रथम व दूसरे स्टेज के 300-300 जबकि तीसरे स्टेज के 600 प्रतिनिधि शामिल हुए। स्टेट जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, परंतु इस बार तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों के पूरी सभा को मतदान का अधिकार देने, जिसमें प्रत्येक सदस्य का एक मत हो, की मांग की। नोट, यह लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसकी मिसाल रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। इस मांग को अस्वीकार करने पर तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि कोर्ट छोड़कर चले गए तथा 20 जून को बसी के टेनिस इंडोर स्टेडियम में इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। नेशनल असेंबली का नेतृत्व मिराजवे और आबे ने किया था। इधर पावर रोटी का दाम बढ़ने से प्रजा ने विद्रोह कर दिया था। बाजारों तथा दुकानों पर धावा बोला दिया गया। 4 जुलाई को बस्तील शस्त्रागार को तबाह कर दिया गया। कुलीनबर्ग जागीरें छोड़कर भाग गए। अंततः लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी तथा अपनी सत्ता पर संविधान का अंकुश स्वीकार किया। 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली संपत्ति व्यवस्था के उन्मूलन की घोषणा कर दी। धार्मिक कर समाप्त किया गया। पादरियों को विशेष अधिकार त्यागने के लिए विवश किया गया तथा चर्चों की जमीन जब्त कर ली गई। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। सम्राट की शक्तियों को सीमित कर शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। न्यायपालिका न्यायाधीश, कार्यपालिका सम्राट और मंत्री, और विधायिका में नेशनल असेंबली जिसमें 745 सदस्य थे और निर्वाचन 50,000 पुरुष थे। न्यायाधीश को वोटों द्वारा सक्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त लोग 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40,00,000 लोग थे। निष्क्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त नहीं किया लगभग 30,00,000 पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष
से कम उम्र व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचन समूह 50,000 पुरुष चुनते थे, जो बाद में असेंबली सदस्य चुनते थे। 25 वर्ष से अधिक उम्र के सिर्फ ऐसे लोग को मताधिकार प्राप्त था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। राजनीतिक प्रतीकों के मायने। 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, अतः महत्वपूर्ण विचारों के प्रकटीकरण के लिए विभिन्न आकृतियों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। पहला, टूटी हुई जंजीर। टूटी हुई हथकड़ी या जंजीर दासों की आज़ादी दर्शाती थी। दूसरा, छड़ों का बर्छीदार गट्ठा। एकता में ही बल है। तीसरा, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँखें, ज्ञान का प्रतीक, सूर्य रूपी आँखें। चौथा, राज दंड, शाही सत्ता का प्रतीक। पांचवा, अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, समानता का प्रतीक। अंगूठी का कोई छोर नहीं होता। छठवा, लाल फ्राई जियन टोपी, दासों के स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। सातवा, नील नीला सफ़ेद लाल, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग। आठवा, डैनो वाली स्त्री, कानून का मानवीय रूप। आठवा, विधिपट, कानून सबके लिए समान है तथा उसकी नज़र में सब बराबर हैं। फ्रांस के राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। लुई 16वां में यद्यपि संविधान पर हस्ताक्षर कर दिया था, परंतु प्रसा ऑस्ट्रिया तथा अन्य पड़ोसी देशों से गुप्त वार्ता कर सैन्य सहयोग की मांग करता रहा। अप्रैल 1792 में असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध का प्रस्ताव पारित किया, तो जनता ने इसे कुलीन वर्ग के विरुद्ध विद्रोह के रूप में सहयोग किया। 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, जो आलीशान क्लबों और जैकोबिन क्लब पेरिस के भूतपूर्व कन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर में राजनीतिक चर्चा करते थे। जैकोबिन क्लब इसके सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध तबके थे, जिनका नेता मैक्स मिलियन रोबेस्पियर था। 10 अगस्त 1792 को इस्यूलेरिया के महल पर धावा बोलकर राजा को बंदी बना लिया गया। बाद में असेंबली ने राजा को जेल में डालने का प्रस्ताव पारित किया। नया चुनाव कराया गया, जिसमें 21 वर्ष से ऊपर उम्र के सभी लोगों को मतदान का अधिकार प्राप्त था, संपत्ति हो या ना हो। नव निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर गणतंत्र की घोषणा की गई। लुई 16वां को देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कनकॉर्ड में फांसी पर लटका दिया गया।
आतंक राज 1793 से 1794 तक का काल, रोबी स्पियर जेकोबिन क्लाइव का नेता ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। कुलीन एवं पादरी तथा जो भी उसकी कार्यशैली से असहमत होते उन्हें क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा गिलोटिन पर चढ़ाकर सिर कलम कर दिया जाता था। कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई। गोश्त एवं पाप रोटी की रसनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज सरकारी कीमतों पर बेचने को बाध्य किया गया। चर्चों को बंद किया गया। समता रोटी खाना अनिवार्य था। साबुत गेहूं से बनी बराबरी का प्रतीक परंपरागत मैस्यूर महाशय तथा मादम महाशय को अब सितोएन नागरिक तथा सितोएन नागरिका कहा जाने लगा। रोबेस्पियर द्वारा नीतियों को सख्ती से लागू करने से जनता त्राही त्राही करने लगी तथा अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे गिलोटिन पर चढ़ाकर सिर कलम कर दिया गया। डायरेक्टरी साहिब फ्रांस अब सत्ता मध्य वर्ग के पास आ गई थी। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में दो चुनी हुई विधान परिषदें थीं। इन सदस्यों ने परिषद 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। डायरेक्टरी का झगड़ा परिषदों से होता रहता और इसी अस्थिरता ने नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। महिलाओं के लिए क्रांति। तीसरे वर्ग की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ना ही मताधिकार था, अतः उन्होंने विभिन्न क्लब बनाकर विरोध शुरू किया। बहुत सारे क्लबों को बंद कर दिया गया तथा महिलाओं को फांसी भी दे दी गई, परंतु अधिकार पाने के लिए संघर्ष जारी रहा। अंततः 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार हासिल हो गया। ओलंप दे गूज 1784 से 1793, ये क्रांतिकारी फ्रांसीसी महिला राजनीतिक रूप से सक्रिय रही। इन्होंने 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। 1793 में महिला क्लाइवों को बंद किए जाने का विद्रोह किया, जिस कारण इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया, इन्हें फांसी दे दी गई। दास प्रथा का उन्मूलन। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक गार्डेलोप और सैन डोमिगो तंबाकू नील चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। यूरोप अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यवहार जारी था। बोर्दे या नंते बंदरगाह से फ्रांसीसी व्यापारियों द्वारा जहाज अफ्रीका के तटों पर ले जाया जाता था, जहां स्थानीय सरदारों ने दास
खरीदा जाता था। दासों को दाग कर हथकड़ियाँ लगाकर अटलांटिक महासागर के पार केसी बियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के जहाज़ों में ढूँस दिया जाता था। दासों पर निर्भर व्यापारियों के दबाव में नेशनल असेंबली कोई कानून पारित करने से बचती रही, परंतु अंततः 1794 में के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेश में दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने फिर से बगान मालिकों को अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता दे दी। फ्रांसीसी उपनिवेशों से फ्रांस प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन 1848 में किया गया। निग्रो अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग थे। परिवर्तन बस्तित्व के विध्वंस के बाद 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति का कानून आया था, जिसमें प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां, किताब, अखबार, नकम को राजा के सेंसर अधिकारियों से मुक्त कर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार बनाया गया। नेपोलियन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा का कानून बनाया। नेपोलियन ने दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की पद्धति प्रारंभ की। शुरुआत में वह मुक्तिदाता लगता था, परंतु धीरे धीरे जनता उसकी सेना को हवलवर मानने लगी। 1815 में वाटरलू ने नेपोलियन की हार हुई। निष्कर्ष स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे प्रमुख विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहां संपत्ति व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के आंदोलनों में दस्ता से मुक्ति के विचारों को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों में प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण हैं।